इस रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें बिराजनाथ चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराजनाथ। अपने चैनल के साथ चलिए शुरू करते हैं मुद्दे को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ नाविक जीडी जो इंडियन कोस्ट गार्ड का वैकेंसी निकलता है उसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, फुल डे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है नाविक जीडी का इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, जो लोग 12th पास किए हुए हो, ठीक है, 12th पास इन साइंस विथ साइंस, तो वो लोग नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये हर साल जनवरी एंड जून में हर साल ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से, या फिर मेरे चैनल पे भी मैं बता देता हूँ कि नाविक जीडी का नोटिफिकेशन आया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक मैंने 2 बार नाविक जीडी का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, नाविक गुवाहाटी में, तो उसके जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ मेरे साथ, ठीक है, तो वो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसमें आपको 3 कॉपी एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट भी हो या फिर कलर हो, कोई भी चलेगा। ठीक है, तो लोग मेरे को पूछते हैं कि ब्लैक एंड वाइट होगा या कलर चाहिए, तो कोई भी आप लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को PRTC चाहिए होता है, जैसे कि किसी किसी जगह में PRC होता है। ठीक है, तो डोमिसाइल उस स्टेट, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट का जेरेक्स को भी लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, जब नाविक जीडी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको PDF डाउनलोड करने का मिलता है, वो एक लेके जाना। वैसे ये चेक नहीं होता, फिर भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद 10th एंड 12th का जो मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, दोनों 10th 12th दोनों का। ठीक है, उसके बाद एक ID प्रूफ, एक या दो लेके जाओ, वैसे आधार कार्ड से ही चल जाता है, तो एक या दो आप ID कार्ड लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको MLA या SDM या पुलिस से, पुलिस स्टेशन जो होता है, पुलिस ऑफिस, तो उससे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद 10 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, अगर ब्लू बैकग्राउंड भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 10 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। और एक बात याद रखना, जो भी 10th का 12th का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, उसके बाद जो डोमिसाइल लेके जा रहे हो, ID कार्ड लेके जा रहे हो, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें उसका सारा का 3 सेट करके जेरेक्स लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और एक रह गया था कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जैसे OBC के लिए OBC, जनरल के लिए जनरल, जनरल के लिए तो नहीं है, ST SC के लिए ST SC। ठीक है, तो वो लेके जाना है उधर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसका जेरेक्स कॉपी भी लेके जाना है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो भी लोग OBC के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, विथ रिलैक्सेशन ऑफ एज, तो वो सेंट्रल OBC होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल OBC सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, और मोर देन मतलब 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ST SC जो होता है, ठीक है, ST SC, ठीक है, उनका बस स्टेट से ही चल जाता है। ठीक है, और जनरल का तो वैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। ठीक है, तो OBC और ST SC कास्ट सर्टिफिकेट आपको उधर कैरी करना है, और OBC जो होता है वो सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, और 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और ST SC का स्टेट से भी चलेगा, सेंट्रल का भी चलेगा, कोई किसी का भी चलेगा। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, 60 मिनट 1 आवर देंगे, 80 मार्क्स, जिसमें से आपका GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उसमें रीजनिंग मैथ ज़्यादा आता है। ठीक है, और इंग्लिश से भी आता है, सबसे ज़्यादा रीजनिंग एयर मैथ से आता है, उसके बाद GK इंग्लिश से आता है, उसके बाद GK से, और करंट अफेयर्स से बहुत कम आता है। ठीक है, तो वैसे मैं जब एग्ज़ाम दिया तो वैसे उधर नीचे बैठ के एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, तो आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करके जाओ तो आपको आसानी होगी कि नीचे बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकते हो और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो घर पर यह प्रैक्टिस करके जाना, टेबल चेयर के साथ प्रैक्टिस ना करना, नीचे बैठ के प्रैक्टिस करना। जैसे मैं कोलकाता में भी नाविक DV का एग्ज़ाम देने गया था, तो उधर भी नीचे बैठ के एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद गुवाहाटी में भी गया था, तो उसमें भी नीचे बैठ के एग्ज़ाम दिया था, लेकिन जलंधर नोएडा साइड का मेरे को पता नहीं है, शायद उधर टेबल चेयर में भी हो सकता है, तो वो एक बार आप चेकआउट कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना। और मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करो, तो मैं दोस्तों आपको ये बोलूँगा, कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस मत करो, आप पेन एंड पेपर से जो प्रैक्टिस सेट की बुक आता है उससे प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको ही आसानी होगी, क्योंकि यूट्यूब उधर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो यूट्यूब से उधर एग्ज़ाम नहीं दोगे, आप पेन एंड पेपर से ही एग्ज़ाम दोगे। तो यूट्यूब को बस ऐसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करो, प्रैक्टिस सेट या प्रिपरेशन करने के लिए मत लिया करो। ठीक है, तो यूट्यूब से वीडियो कम ही देखा करो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रैक्टिस सेट कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है,
तो आप अगर रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो दोस्तों तो आपका मतलब 1-2 घंटे में रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिटन एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाता है हो जाता है वैसे तो, ठीक है। अगर आप उनके पास ज़्यादा टाइम है और कैंडिडेट कम आए हुए तो PFT भी उसी दिन हो जाता है, ठीक है। नहीं तो PFT नेक्स्ट डे को बोलेंगे आप 7 बजे या 8 बजे आओ सुबह, ठीक है, या 9 बजे आओ, ठीक है। तो PFT में दोस्तों होता है रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट। वैसे अभी लोग ज़्यादा जाने लगे हैं, ठीक है, इसलिए ये जो 7 मिनट का जो बैरियर है वो 6 मिनट हो गया है, ठीक है, कम कर दिया है। उसके बाद पुशअप एंड उठक बैठक, जो स्क्वाट्स होता है वो 20 करना होता है, पुशअप 10 करना होता है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि पुशअप कम से कम आप घर पे प्रैक्टिस 20 करके जाओ, उठक बैठक कम से कम 40 करके जाओ, और जो रनिंग है वो 5 मिनट या 6 मिनट के बैरियर के अंदर ये क्रॉस 1.6 किलोमीटर क्रॉस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो PFT होता है 2nd दिन, और अगर उनके पास ज़्यादा टाइम है पहले दिन तो पहले दिन ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है उसी 2nd डे होता है PFT, PFT के बाद होता है मेडिकल्स, या कभी कभार होता है मेडिकल 3rd डे, 3rd डे भी होता है, ठीक है। मेडिकल्स होता है, मेडिकल्स में आपके आइस चेक होंगे, नोज़ चेक होंगे, ठीक है, ईयर चेक होंगे, नॉकनीज जो होता है लोगों का, ऐसे लेग जो बैंड होते हैं वो चेक होता है, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सारा कुछ, ब्लड टेस्ट सारा कुछ होता है उसी दिन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1-2 महीना या 3 महीने बाद मेरिट लिस्ट आ जाता है, अगर आप मेडिकल्स क्लियर करते हो, ठीक है। और 2 महीने 3 महीने बाद वेबसाइट जो होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसमें मेरिट लिस्ट आ जाता है। और अगर आप मेडिकल्स क्लियर नहीं करते तो आपको 42 डेज़ का एक पीरियड दिया जाता है। तो आप अगर आइस ठीक नहीं है तो 42 डेज़ आपको मिलेगा आइस चेकआउट, मतलब आइस को ठीक करके वापस मेडिकल्स दे सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि मेरा आइस है 6x36 तो मैं जा सकता हूँ, या मेरा आइस है या मेरा ब्लड प्रेशर है। तो दोस्तों आपको ये बताऊँगी, ये क्वेश्चन मत करो, आप डायरेक्ट जाओ, ये मेडिकल्स बहुत बाद की प्रोसेस है, ठीक है। पहले तो आप एग्ज़ाम दो, क्लियर करो, PFT क्लियर करो, तो मेडिकल बहुत बाद की बात है, और मेडिकल क्लियर भी हो जाता है ज़्यादातर लोगों का, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको बताना था, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।